आज हम अपने इस वीडियो में शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा के दौरान जो फूड सर्विस प्रदान की जाती है उसकी क्वालिटी कंपेयर करेंगे। इसमें देखेंगे कि जो फूड है जो शताब्दी एक्सप्रेस में दिया जाता है और जो वंदे भारत में दिया जाता है उसमें क्या अंतर है। तो ये शताब्दी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास का फूड है जो प्रदान किया गया है लंच के टाइम पे। इसमें देखेंगे कि जितना भी फूड है ये IRCTC ने एल्युमिनियम फॉइल्स के अंदर जो रैप करके दिया है, ये कार्ड है इसके साथ में दिया है, और इसके साथ ही इसमें दो मेन सब्जी रहता है, एक दाल रहता है, तो ये आपका मिक्स वेज है। इसकी क्वांटिटी सफिशेंट है, लगभग जो है 100 ग्राम के करीब इसकी क्वांटिटी है। पनीर मसाला है, मटर पनीर है, और प्रिपरेशन इज़ गुड, और क्वांटिटी वाइज भी इसकी जो है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी इन्होंने जो है दिया है। और ये दाल है, दाल आप देख सकते हैं, दाल गाढ़ा है और प्रिपरेशन भी अच्छा है। अब हम देखते हैं ये राइस जो दिए हैं, ये जीरा राइस टाइप का है, और राइस जो है खिला हुआ है, और प्रिपरेशन इज़ गुड, और दो चपाती इसके साथ हमें दिया गया है फूड में, और ये पिकल साथ में एक दिया गया है, पिकल चटनी टाइप का है ये। तो ये टोटल फूड जो है शताब्दी एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर सर्व किया गया है, और इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बेटर हैं, और ये रिसाइकलेबल टाइप एल्युमिनियम फॉइल के अंदर आपको दिया है। अब ये जो फूड है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का है, और इसको एक पैक्ड फॉर्म में दिया है, लंच आपका प्रावधान दिया गया है जैसे पंडित बलूची से द्वारा सर्व किया गया है। तो इसमें देखेंगे कि इसकी जो पैकिंग है बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ देखी गई है कि सारी पैकिंग है, इसमें अमूल का श्रीखंड है, अमूल मस्ती कार्ड है अमूल का, और साथ ही साथ इसमें दो सब्जी हैं, एक दाल है और स्वीट है, पिकल है, चावल है और रोटी है, जो बाकी सभी जो है दिया। ये नॉन वेज मील है, इसमें नॉन वेज दिया है। तो इसमें देखेंगे कि आप जो पैकिंग इस्तेमाल की गई है वो ज़्यादातर हार्ड कोड बॉक्स है, एल्युमिनियम फॉयल जो पैकिंग है वो केवल राइस के लिए है, और चपाती जो है आपको दिया गया है जिसमें आपका इस पराठा टाइप का है ये कुलचा। तो अगर ये ओवरऑल अगर क्वांटिटी हम और क्वालिटी की बात करें तो वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस की दोनों ही फूड जो हैं बेटर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक डिफरेंस जो है वो पैकिंग का है। वंदे भारत के अंदर जो फूड दिया जा रहा है उसकी पैकिंग अट्रैक्शन पैकिंग कॉस्ट ज़्यादा है,